हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे, यह देखिए ये टाइल है। ये टाइल आपका घर में कहीं पे भी लग सकता है, बाथरूम में लग सकता है, किचन में लग सकता है या टॉयलेट में लग सकता है। मतलब ये जो टाइल है आप कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये स्टाइल को इस मकसद से दिखा रहा हूँ कि आप इस टाइल को पता कैसे करेंगे कि आपका टाइल वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ वीडियो बनाकर आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप जब दुकान में ख़रीदने जाएँ तो आप धोखा ना खाएं। आप वाटरप्रूफ कह के तो दुकानदार दे देगा, लेकिन वो वाटरप्रूफ है या नहीं है आप अपना पूरा पक्का वो आप देख लीजिए कि हाँ आपका टाइल वाटरप्रूफ है या नहीं, उसके बाद ही आप टाइल ख़रीदें। तो मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि आपको जैसे ये क्या करना है, जो क्या नतीजा निकलेगा कि भाई जो ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो देखिए, मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये टाइल है, ये देखिए आपको सूखा हुआ दिख रहा है, ये सारा सूखा हुआ है और ये भी सूखा हुआ है, ये भी पूरा सूखा हुआ है। लेकिन अब ये वाटरप्रूफ है या नहीं है इसके बारे में आपको बतलाऊँगा। पर पता करने का एक आसान तरीका है, यह देखिए। जैसे कि आप एक गिलास में एक पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी, यह देखिए एक गिलास पानी हमने इसमें ले लिया है, यह भर लिया है, यह देखिए। अब इसको क्या करना है, हमें इस गिलास को इस हाथ पे रखे रहना है और इसके ऊपर इस टाइल को इस तरह से कर देना है हमें, यह देखिए इस पे रख देना है, यह देखिए ये रख दिया हमने। उसके बाद रखने के बाद क्या करना है, हमें इसको इस तरह से पलट देना है, यह देखिए ये गिलास हमने पलट दिया, यह देखिए। अब इसको पलट, इसमें इस गिलास में पानी भरा हुआ है लेकिन ये गिर नहीं रहा है। अगर चारों साइड गिरेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये वाटरप्रूफ हुआ या नहीं हुआ। तो इसको आपको करना क्या है कि जैसे इस तरह से आप जब गिलास पलट दिए इसके ऊपर, उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये गिलास पलटा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, आपके सामने मैंने भरा था, आप भी देखे थे। लेकिन ये देखिए, अब ये जो बाहर हिस्सा जो है, इधर पानी नहीं जा रहा है, ये सिर्फ गिलास में पानी भरा हुआ है। और अब ये बतलाएगा कि ये टाइल वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो देखिए, अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए इसी तरह रखे रहूँगा, लेकिन इस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, ये गिरा नहीं है, लेकिन यही बतलाएगा कि आपका टाइल वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो देखिए, अब आपका 1 मिनट लगभग हो गया है, 1 मिनट और इंतज़ार करते हैं। देखिए, उसके बाद फिर हम जब 2 मिनट हो जाएगा तो हम इसको फिर पलट देंगे। पलटने के बाद फिर हम आगे आपको दिखाएंगे कि ये वाटरप्रूफ टाइल है या नहीं है। देखिए, तो अब ये लगभग 2 मिनट हो चुका है। अब मैं आपको दोबारा इस गिलास को पलट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि अब मैंने ये पलट दिया, ये देखिए ये पलट गया। अब हम गिलास को हटा देंगे, यह देखिए पानी हम हटा दिए, यह देखिए। अब ये जो टाइल है, आपको यही देखना है कि यह देखिए, ये टाइल का जो जहाँ पे हमने गिलास रखा था, ये उस गिलास के सामने ये पूरा गीला हो गया। जिस साइड हमारा पॉलिश है, जब हम बाथरूम में लगाते हैं या किचन में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं टाइल, तो ये देखिए ये गीला हो गया। तो जिस टाइल में आपको इस तरह से गीला हो जाता है पानी रखने से, तो समझ लीजिए कि आपका ये टाइल जो है वाटरप्रूफ नहीं है। आप कहीं भी लगाएंगे तो ये पानी आपको दीवार में सीलन जाएगा, अगर ऐसा टाइल आप लगवाते हैं तो ये वाटरप्रूफ नहीं है। अगर टाइल वाटरप्रूफ होगा तो जिस तरह से मैंने पानी रखा है उसी तरह से आप रख के देखो, उसके बाद भी ये जो हिस्सा ये गोल सा गीला हो गया पानी से, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बतला दिया टाइल को पहचानने का तरीका कि वाटरप्रूफ कौन सा टाइल है और कौन वाटरप्रूफ नहीं है। तो ये देखिए, जैसे ही आपका गीला हो गया, समझ लीजिए वाटरप्रूफ नहीं है, और अगर गीला नहीं होता है तो समझ लीजिए वाटरप्रूफ टाइल है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।